हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस ट्यूटोरियल में बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे वर्क करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेलवे एंड एसएससी एग्ज़ाम में। तो ये बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं, पार्ट टू। पार्ट वन मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, पार्ट वन में डाल चुका हूँ। तो ये पार्ट टू हम आज देखेंगे जो कि रेलवे और एसएससी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही आईएमपी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़वे स्वाद के लिए जो ग्राही मतलब रिसेप्टर्स जो होते हैं जीभ के, छोटे छोटे जो रिसेप्टर्स होते हैं जीभ के, किस भाग में स्थित होते हैं। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो कड़वा स्वाद हमको मिलता है जीभ में, वो कहाँ से मिलता है। मतलब कड़वा स्वाद जो है हमारे जीभ के किस हिस्से से मिलता है। तो वो मिलता है हमको थर्ड वाले हिस्से से, जीभ के पिछले मझले हिस्से में हमको कड़वा स्वाद जीभ के वो होता है। और जीभ की नोक है जो ये वाला, यहाँ पे हमको मीठा, यहाँ से हमको मीठा लगता है आपका, ठीक है। और जीभ के किनारों पे हम खट्टा, जो नींबू वगैरह जो खाते हैं, अचार वगैरह, वो हमको किनारों पे खट्टा महसूस होता है। और जीभ के निचले भाग से हमको तीखा तीखा लगता है। तो जीभ के पिछले और मझले भाग में क्या लगता है हमको, कड़वा स्वाद जीभ के पिछले भाग से हमको महसूस होता है। समुद्री जानवरों हवा के संपर्क के बिना पानी में कैसे जीवित रह लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें किसी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वे पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, वे केवल अपने शरीर में ऑक्सीजन का उत्पाद करते हैं, वे पानी में स्थित पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं। तो समुद्री जीव होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती, यह है इसका आंसर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का वियोजन देखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम विभाजन देखते हैं। विभाजन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सूत्री विभाजन, एक होता है आपका सूत्री विभाजन, फिर सेकंड होता है अर्धसूत्री, और थर्ड होता है आपका समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन जो है आपका मोस्ट आईएमपी है। ये भी पांच टाइप के होते हैं, तो वो मैं जब डिटेल वीडियो डालूंगा बायोलॉजी का, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो समसूत्री विभाजन कितने टाइप के होते हैं, पांच टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का वियोजन देखा जाता है मेटाफेज में, मेटाफेज टू में, एनाफेज में, एनाफेज टू में। तो इसका आंसर है एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में ही जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो वियोजन उनका होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यानी कि जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष या मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, के रूप में वर्णित किया गया, और उसके हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। मतलब जो उसके जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अंतःस्रावी, जो अंतर से स्रावित होते हैं, उन ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन निम्न ग्रंथि में से कौन सा है जो उसके प्रभाव में नहीं आता, मतलब जो प्यूट्रिटरी ग्रंथि है वो जो नियंत्रण करता है उसमें, उसके नियंत्रण में कौन नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि, ये तो आता है क्योंकि ये अंतःस्रावित ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अधिभक्त ग्रंथि, ये भी नहीं है। जननांग ग्रंथि, ये भी नहीं है। आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है, जो पेट पेट के बगल में रहता है, लेफ्ट राइट साइड में, जो आपका अमाशय होता है उसके राइट साइड में रहता है अग्नाशय। तो इसका आंसर हो गया आपका अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो मतलब क्या कारण है कि बूढ़े लोग जो हैं, क्या कारण है जो बूढ़े लोगों के जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, मतलब बुढ़ापे में घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो उसका आंसर है जो स्लेस तरल पदार्थ, मतलब हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एक तरल पदार्थ भरा रहता है, वो सूखने लगता है। जैसे आप अगर ज़्यादा दौड़ेंगे तो भी वो सूखता है, जो एथलीट वगैरह होते हैं उनको ये प्रॉब्लम जल्दी ही आ जाती है, और बूढ़े लोगों में ये प्रॉब्लम आती है, तरल पदार्थ सूख जाता है, जिससे उनको चलने फिरने उठने बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो कि मानव मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है, तो विटामिन जो कि मानव मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है, तो इसका आंसर तो है विटामिन सी। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से जाए तो आंसर सी, लेकिन विटामिन ई भी निकलता है। लेकिन जैसे कि 100% अगर मूत्र है तो उसमें से आपका 70% जो होगा वो सी, विटामिन सी होगा उसके अंदर, 20% जो होगा विटामिन ई होगा, और बाकी अदर थिंग्स होंगी। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मूत्र में निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन में से मतलब इनमें से कौन सा हार्मोन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के गठन एवं परिपक्वता में शामिल रहता है, कौन सा हार्मोन है। तो ये हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन। तो ये इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये कुछ कथन दिए हैं, उसमें हमको देखना है कि क्या कौन सा आंसर सही है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, जिराफ में केवल 7 ग्रीवा पसलियां होती हैं। पहला कथन बोल रहा है सभी स्तनधारियां केवल 7 ग्रीवा पसलियां होती हैं। ऊँट की लंबी गर्दन ग्रीवा पसलियों के दीर्घ कारण के कारण होती है। जिराफ की लंबी गर्दन ग्रीवा पसलियों की संख्या में वृद्धि के कारण होती है। तो वो पूछ रहा है कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3 या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जिराफ के में केवल 7 ग्रीवा पसली होते हैं, एकदम सही आंसर है आपका। सभी स्तनधारियों में भी 7 ही ग्रीवा पसली होते हैं, ये भी सही आंसर है। ऊँट की लंबी गर्दन ग्रीवा पसलियों के दीर्घाकार के कारण भी होती है, ये आंसर भी सही है। ओनली चौथा जो है नहीं फॉलो कर रहा है, चौथा जो है आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों आंसर आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं में मौजूद भौतिक और रासायनिक अणुओं की सबसे बड़ी राशि क्या है, सबसे बड़ी राशि क्या है। तो सबसे बड़ी राशि है आपकी प्रोटीन, सबसे बड़ी राशि क्या है, प्रोटीन। अब देखिए, ये मैं दिखा आपको बताता हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक भोजन का रूप है जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट जब माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ग्लूकोज में टूटता है, ये ग्लूकोज में टूटता है, 36 ATP में टूट जाता है, 36 ATP में टूट जाता है और हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है ये। तो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं आंसर, प्रोटीन। पूरा शरीर अधिकतर हमारे शरीर का 50% जो है प्रोटीन से ही भाग बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा भौतिक अवस्था जो है प्रोटीन, 50 से 60% हो सकता है। लिपिड, अब लिपिड मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये एक प्रोटीन की परत है और ये दूसरी प्रोटीन की परत है, इसके बीच में कुछ 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 लिक्विड भरा रहता है, वो जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है। तो जो सेल होता है ना हमारा, सेल इसी से मिलकर बना होता है, एक साइड इधर प्रोटीन रहता है, दूसरी लेयर भी प्रोटीन की रहती है और बीच में जो है लिपिड भरा रहता है, तो वो है लिपिड। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो वायरस में होता है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों में मैड काउ रोग किस कारण से हो जाता है। तो वो क्या वायरस से होता है, वो बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, नहीं वो प्रियंस से होता है, ये अलग प्रकार की एक बीमारी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जीन उत्परिवर्तन होता है, मतलब जो आपके जीन्स होते हैं ह्यूमन में या जिसमें भी, तो उत्परिवर्तन उनका कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो वो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया। पादप में राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, जो पादप मतलब पेड़ पौधे में कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2, पेड़ पौधे में यानी 2 राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स भावात्मक स्थिति जैसे डर, गुस्सा, तनाव के लिए उत्तरदायी होता है, रक्षा बढ़ाने के लिए। मतलब जब भी हमें गुस्सा आता है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कोई ना कोई हार्मोन है जो अपनी प्रोसेस करता है, तभी हमको गुस्सा है वो आता है। तो इसका आंसर हो गया एड्रेनालाइन। मतलब क्या होता है जब हमको गुस्सा आता है, इसको याद करने की ट्रिक है, जब हमको गुस्सा आता है तो हम लाइन वाइन तोड़ देते हैं, एड्रेनालाइन, मतलब किसी लाइन में हम नहीं रहेंगे। तो इसका आंसर हो गया एड्रेनालाइन। अगला, निम्नलिखित लेंस के बीच कौन सा, निम्नलिखित लेंस के बीच कौन सा प्रेस वायोपिया ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रेस वायोपिया में क्या होता है कि हमको दूर की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती और पास की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती, तो इसके लिए जो है बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। ये लेंस हो गया आपका, यहाँ बीच से वो डिवाइड रहेगा, तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा, उत्तल लेंस यहाँ लगा होगा, अवतल लेंस यहाँ लगा होगा, तो इस टाइप से बाईफोकल लेंस रहता है। तो इसका आंसर हो गया बाईफोकल। ट्रीमैक्सीलेक्थाइन चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है, एक प्रकार का कुछ तत्व होगा जो कि चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है, जो एक उत्तेजक रासायनिक पदार्थ है, मतलब जो एक उत्तेजना पैदा करता है। तो इसका प्रसिद्ध नाम क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कैफीन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चाय जो होती है, चाय अगर ठंडी हो जाती है तो उसमें निकोटीन आ जाता है, चाय में, ठंडी चाय में निकोटीन आ जाता है, तो इसलिए हमको ठंडी चाय नहीं पीनी चाहिए। और कॉफ़ी जो है हमारा, वो क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यदि वैवाहिक जोड़े ने एक बच्चे को गोद लिया, यदि वैवाहिक जो जोड़ा है उसने एक बच्चे को गोद लिया है, कुछ वर्षों के बाद उनके घर में जुड़वा बच्चा
ने जन्म लिया, कुछ मतलब एक को गोद लिया और कुछ वर्षों बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। युगल का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव है। जो युगल है वो ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव है, मतलब जो मेल होगा उसका ए बी पॉजिटिव या फिर फीमेल का ए बी पॉजिटिव और ओ होगा। तो दोनों बेटों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव गोद लिए गए पुत्र का ब्लड ग्रुप है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ओ पॉजिटिव। अधिकतर आंसर ओ पॉजिटिव होते हैं जब ए बी और ओ नेगेटिव की बात आती है। तो एक रेतीले मतलब रेतीले खारा क्षेत्र में एक भारतीय पशु प्रजाति के प्राकृतिक निवास होते हैं, मतलब जो रेतीले होते हैं, रेतीले खारे क्षेत्र मतलब जो आपके रेगिस्तान वगैरह हो गए निवास करते हैं, उस क्षेत्र में कोई भी परभक्षी नहीं है, उसके वास स्थान के कारण उनका अस्तित्व तो खतरे में है, तो निम्न से वह कौन से पशु हैं? तो वो हैं आपके भारतीय जंगली गधे। जंगली गधे गधों की जो प्रजाति है वो बहुत ही अभी खतरे में है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नीति मतलब अपनाई जाती है, उस पर हमको ध्यान देना है, बताना है कि कौन सी नीति अपनाई जाती है। तो पहला है फसल संबंध, फिर रेत की बाढ़, सीढ़ी नुमा खेत या वायु रोधक। तो इसका आंसर है आपका सीढ़ी नुमा खेती करके, मतलब जो सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पे की जाती है, पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जैसे ये माउंटेन है असम वगैरह में की जाती है। अब ये माउंटेन है, यहाँ पे हमको खेती करनी है, तो यहाँ पे स्टेप बना देते हैं जिससे मिट्टी का बहाव कम हो जाता है, और इसको हम पेड़ लगा के भी रोक सकते हैं इस टाइप से सीढ़ी नुमा खेती करके। पक्षपात के पदांक मौजूद होते हैं, मतलब क्या होता है, जो सरीसृप मतलब जो सांप, अब पूछ रहा है सांप है, समुद्री सांप है, क्रेट है, अजगर है, सब ये सांप की ही प्रजाति है। तो पूछ रहा है पक्षपात, मतलब जो जैसे ये सांप का मुंह है तो इसके अंदर मतलब पक्षपात यहाँ पे जो दांत वगैरह किसके होते हैं। तो नॉर्मल सांप में तो आगे दो दांत होते हैं जो विष वाले होते हैं, समुद्री सांप में भी विष वगैरह पाए जाते हैं, क्रीट में भी विष पाए जाते हैं, लेकिन जो अजगर होता है इसमें विष नहीं पाया जाता और ये सीधे निगलता है, तो यहाँ पे इसके पीछे दांत होते हैं, आगे जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजगर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज होता है, मतलब ग्लूकोज क्या होता है? तो ये होता है आपका ग्लूकोज जो है वो सैकेराइड मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है ग्लूकोज। सैकेराइड जो है मतलब ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप के होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है आपका मोनोसैकेराइड, तो ग्लूकोज हो गया मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे बायो पार्ट टू के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं जल्द ही बायो के मिसलेनियस क्वेश्चन यानी पार्ट थ्री को अपलोड करूँगा, तो आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको ईमेल के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।